इंदौर जिला ग्रामीण का सबसे बड़ा कोविड क्वारंटाइन सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और पूर्व विधायक मनोज पटेल। बैठमा और देपालपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए दोनों ही स्थानों पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें देपालपुर के शहीद भागीरथ महाविद्यालय और बैठमा के जगदीश वाटिका गार्डन में स्थान प्रस्तावित किया गया है, जिसका काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। बैठमा स्थित क्वारंटाइन सेंटर इंदौर जिला ग्रामीण का सबसे बड़ा कोविड क्वारंटाइन सेंटर है, जिसमें 200 मरीजों के रहने, खाने, नाश्ते, चाय की निशुल्क व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत जगदीश वाटिका में गुरुवार को सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और पूर्व विधायक मनोज पटेल ने आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर मनीष सिंह ने जल्द से जल्द सेंटर शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज हम सब मनोज पटेल जी के साथ, जिला जी और डीएम जी के साथ देपालपुर क्षेत्र में कोविड केयर सेंटर देखने आए हैं। देपालपुर में बना है, यहाँ भी बनाया है, और हम चाहते हैं कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की थोड़ी भी सिम्टम है तो उसको इस केयर पर ले जाएँ, कोविड केयर सेंटर पर ले जाएँ, तो वहाँ पूरा उसका देखभाल होगी, भोजन की व्यवस्था अच्छी, सभी व्यवस्था अच्छी है, डॉक्टरों की टीम है, और अगर कुछ समस्या आती है तो फिर हम आगे उनको हॉस्पिटल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 18 वर्ष से ऊपर एक मई से शुरू होगा। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ये इस समस्या का हल है जो अभी है। सभी लोग वैक्सीन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।